हाँ जी ओके। अब ये दोनों चीजें हमजा थोड़ा सा गौर से सुनना है, ठीक है? थोड़ा सा एक्टिव रहना, अगर आगे पीछे कोई चीज बैठी हुई है या तो उसको हटाओ या फिर उसके सेपरेट रूम में किसी जगह बैठना है तुमने, जहां पे तुम्हें कोई और मजा सुनना। मेरी बात तुमने गौर से सुनी, इंशाल्लाह तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये पूरे कान इधर रखने हैं। अब मेरी बात सुनो कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि यार ये आपका एक तरह का एंडोकार्डियल कुशन है, ठीक है? एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ऊपर से एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है इस तरह नीचे की तरफ, जिसका नाम होता है सेप्टम प्राइमम, ठीक हो गया? अब ये देखें, सेप्टम प्राइमम ये होता है और इसके दरमियान में ये जो फोरामेन होता है, इस फोरामेन को हम कहते होते हैं फोरामेन प्राइमम। क्या कहते हैं? एक तरह का फोरामेन प्राइमम। पहला काम ये होता है कि आपका सेप्टम प्राइमम ऊपर से नीचे एंडोकार्डियल कुशन की तरफ आता है, तो फोरामेन जो प्राइमम है वो नैरो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमसे ये बताओ, जो फोरामेन प्राइमम है वो नैरो हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिंपल सी बात है, तंग हो रहा है ना, हो रहा है। ओके देख, अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि ये जनाब इधर से आपका जो सेप्टम प्राइमम होता है वो एंडोकार्डियल कुशन से अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक होगा? ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो फोरामेन प्राइमम है वो एक तरह का मुकम्मल तौर पर रिग्रेस हो रहा है, वो और ज्यादा तंग हो रहा है। जब ये फोरामेन प्राइमम मुकम्मल तौर पर रिग्रेस होने लगता है, तो यही फोरामेन प्राइमम जो होता है वो एक और फोरामेन के अंदर चेंज हो जाता है। जब ये छोटा सा रह जाता है तो इसका नाम होता है आपका फोरामेन सेकंडम। क्या होता है? एक तरह का फोरामेन सेकंडम। अब मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। हाँ हमजा, अब समझ आ गई कि उसका नाम क्या बन जाता है आपका, एक तरह का फोरामेन सेकंडम। ओके, अब जो हमने दो लाइनें पढ़ी हैं, ये जो दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एम्ब्रियो है थोड़ी सी उस तरह की, हालांकि क्वेश्चन इसमें से जो है ना वो इतने ज्यादा उस तरह नहीं आते, लेकिन आपने इसकी एम्ब्रियो जो है ना वो करनी हमने जरूरी है, इसको आप छोड़ तो सकते नहीं है, ठीक है? जिसमें से इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो तो मैं लाजमी करवाऊंगा। तो अब देखें, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि सेप्टम प्राइमम ग्रोस टुवर्ड एंडोकार्डियल कुशन नर्विंग ऑफ द फोरामेन प्राइमम। तो पहला भाई हमने काम यही पढ़ा ना, दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम ये होता है कि फोरामेन सेकंडम फॉर्म इन सेप्टम प्राइमम, और फोरामेन प्राइमम क्या होता है, एक तरह का रिग्रेस होता है। तो मैंने क्या कहा था, दूसरे काम पे ही होता है। अब देखे बच्चों, इसके साथ और क्या होता है, इसके साथ और ये कंडीशन होती है कि आप लोगों ने ये इस तरह याद रखना है कि ये जो सेप्टम प्राइमम होता है इसके साथ एक और सेप्टम ग्रो करता है, यानी कि ये जो सेप्टम प्राइमम था ना इसके बिल्कुल साथ एक और सेप्टम ग्रो करता है। जो सेप्टम इसके बिल्कुल साथ एक तरह का ग्रो करता है उस सेप्टम का नाम होता है सेप्टम स्कंडम। क्या कहते हैं? एक तरह का सेप्टम स्कंडम। तो आपने तीसरे लाइन में ये पढ़ना है कि सेप्टम प्राइमम के साथ एक और सेप्टम ग्रो होता है और उस सेप्टम का नाम होता है सेप्टम स्कंडम, ठीक हो गया? उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये जो फोरामेन स्कंडम है, ये आपका फोरामेन स्कंडम है ना, जो ये जनाब ऐसे ही रहता है, ये जनाब इसी तरह काम करता रहेगा, आपने इसको अभी तक कोई तंग नहीं किया। तो अब देखो मेरी एक बात को आपने गौर करना, जब तक बच्चा इंट्रा यूट्राइन पीरियड के अंदर होता है, जब तक बच्चा आसान भाषा में माँ के पेट के अंदर होता है, ठीक हो गया, उस वक्त जो बच्चे का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, वो कहाँ होता है, वो आपका राइट साइड पे ज्यादा होता है। पहली बात तो आप लोग ये समझ लो, ठीक हो गया? राइट साइड पे क्या होता है, एक तरह का ज्यादा होता है, नंबर वन। उसके बाद उस बच्चे के राइट साइड पे जब ब्लड ये ज्यादा आएगा तो प्रेशर आपका राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे पानी है, पानी इधर से इधर जा रहा है, तो पानी जो होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो प्रेशर जो पानी का वो राइट की तरफ होगा या लेफ्ट की तरफ होगा? शाबाश, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? प्रेशर सिंपल सी बात है, राइट की तरफ ज्यादा होगा ना, ठीक हो गया? तो जब तक इंट्रा यूट्राइन पीरियड की हम बात करते हैं, तो इंट्रा यूट्राइन पीरियड के अंदर जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर है, तब तक की जब हम बात करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। वो कहाँ होता है? आपका एक तरह का राइट टू लेफ्ट होता है, समझ आ गई जी? अब देखें, अगर ये जो ब्लड इधर आता है और यहाँ पे जो सुराख बना हुआ है, जो यहाँ पे ये ब्लड आएगा वो आपका दाएं से बाएं की तरफ जाएगा या बाएं से दाएं की तरफ जाएगा? शाबाश, पहले तो ये बताएं। हाँ जी, अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लड इधर आता है तो ये जनाब आपका कहाँ जाएगा? ये अगर राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो जो ब्लड होगा वो किधर से किधर जाएगा? यार सिंपल सी बात है ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक होगा? तो आपने सही यही बात अपने माइंड में रखनी है, क्लियर है? अब देखो आगो,
आगे आ जाओ और आप लोगों को पता चले कि हाँ जी जनाब, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहां तक तो पढ़ लिया, अब यहां तक तो आप लोगों को पता चल गया। क्या पता चला? कि यार ये जो ऊपर से इस तरह आता है सेप्टम प्राइमम होता है, ये नीचे से जो ऊपर जाता है सेप्टम प्राइमम होता है, उसके दरमियान में ये जो दरमियान में जो फोरामेन होता है उसको फोरामेन स्कंडम कहते होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि सेप्टम प्राइमम के बिल्कुल साथ जो फोरामेन जाता है उसको हम कहते हैं फोरामेन स्कंडम, सेप्टम स्कंडम, ठीक हो गया, क्या कहते हैं एक तरह का सेप्टम स्कंडम। और ये जो फोरामेन स्कंडम है ये जनाब आपका एज अ पाथवे बना रहता है राइट टू लेफ्ट ब्लड को लेके जाने का। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, आगे देखें आगे क्या है। आगे आप लोगों ने समझना ये है कि देखें सेप्टम स्कंडम डेवलप्स ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम, भाई राइट साइड पे बनाया था, बिल्कुल राइट साइड, एज फोरामेन स्कंडम मेंटेन राइट टू लेफ्ट शंट। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात की समझ नहीं आई, शाबाश। अगर ये पिक्चर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये पिक्चर क्या है, ये जनाब आपका सेप्टम स्कंडम है राइट साइड पे, ये क्या है सेप्टम प्राइमम, और ये क्या है फोरामेन, यानी कि फोरामेन स्कंडम है, और क्या है ब्लड इधर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ओके आगे आ जाओ जी, आगे देखो, आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार जो आपका एक तरह का सेप्टम स्कंडम होता है वो आपका एक तरह का और ज्यादा बढ़ता है, क्या होता है एक तरह का और ज्यादा बढ़ता है। जब ये सेप्टम स्कंडम और ज्यादा बढ़ता है तो ये काम क्या करता है, ये जनाब आप लोगों ने अब इस तरह समझना है, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट जी, ये इस तरह आपने समझना है कि ये जो सेप्टम स्कंडम है ये इस तरह बढ़ता जाता है, ये इस तरह बढ़ता जाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो सेप्टम स्कंडम होता है नीचे से भी इस तरह बढ़ता जाता है। अब ये नीचे से जब बढ़ेगा तो ये, अब देखो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है, अब ये छोटा सा फोरामेन नहीं रह गया एक तरह का, ये सुराख नहीं रह गया छोटा सा, अब ये सिर्फ सुराख रह गया ना, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ शंट जाना है, तो ये सुराख नहीं रह गया। अब इसने काम क्या किया, इसने ये काम किया कि इसने सेप्टम स्कंडम को एक तरह का क्लोज कर दिया, इसने क्या काम किया, इसने एक तरह का सेप्टम स्कंडम को एक तरह का खत्म कर दिया। बात को समझ रहे हो, क्या करता है ये एक तरह का सेप्टम स्कंडम को एक तरह का ये खत्म कर, सॉरी फोरामेन स्कंडम को, नॉट सेप्टम स्कंडम, ये फोरामेन स्कंडम को एक तरह का ये खत्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आ गया ये, भाई उसके ऊपर आ गया ना तो फोरामेन स्कंडम क्या है वो खत्म हो रहा है। अब जब ये उसके ऊपर आ गया तो उस वक्त ये जो आपका एक तरह का ये सुराख सा रह गया, इस सुराख को हम क्या कहते हैं फोरामेन ओवेल, इसको हम क्या कहते हैं एक तरह का फोरामेन ओवेल। तो आपने कहना है जब ये सुराख रह जाता है इस सुराख को क्या कहा जाता है, एक तरह का फोरामेन ओवेल कहा जाता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, आप लोगों ने जो अब आगे हम आते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो आपका एक तरह का सेप्टम स्कंडम एक्सपेंड्स एंड कवर मोस्ट ऑफ द फोरामेन स्कंडम, ऐसे ही किया उसने, फोरामेन स्कंडम को कवर किया, द रेजिडुअल फोरामेन इज अ फोरामेन ओवेल। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझे, शाबाश यहां तक। अब देखें ये जो फोरामेन है, ये जो फोरामेन है, ये फोरामेन क्या काम करता होता है, जब तक बच्चा मां के पेट के अंदर रहता है ना, जब तक बच्चा मां के पेट के अंदर रहता है तब तक ये फोरामेन जो होता है ना ये ओपन रहता है। क्यों? ओ भाई जान, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ ब्लड आना है, ठीक है, राइट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट की तरफ ज्यादा होता है और लेफ्ट की तरफ कम होता है, ठीक हो गया। तो ये जनाब आपका ब्लड इधर से इधर आना है तो तब तक ये क्या होता है एक तरह का राइट टू लेफ्ट एक तरह का मूव करता रहता है, आप लोगों ने ये कहा है। अब देखें जब बच्चा यहाँ पे ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, थोड़ा सा बात को कंसेप्ट को समझना, ठीक हो गया। ब्लड कौन सा होता है एक तरह का ऑक्सीजन वाला होता है। जस्ट इमेजिन करें जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी बच्चा बाहर से सांस लेगा, बच्चे के फेफड़े काम करेंगे, शाबाश ये बताइएगा जी, बच्चे के फेफड़े काम करेंगे, बच्चे के बच्चों फेफड़े काम करेंगे, लंग्स काम करेंगे। जब बच्चे के लंग्स काम करते हैं, जब वो जनाब जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है उसके लंग्स काम करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा, अब बच्चा कहाँ पे है, अब बच्चा माँ के पेट के बाहर है। अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, इस वक्त जो प्रेशर है वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा होगा या राइट साइड पे ज्यादा होगा, ये बताएं। इस वक्त जब डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की, इस वक्त जो बच्चे का जो प्रेशर होगा वो लाइट राइट साइड पे ज्यादा होगा या लेफ्ट साइड पे? बच्चों सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा होगा। अब देखें जब आपका जो प्रेशर है वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा होगा तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो सेप्टम प्राइमम जो होता है ये सेप्टम स्कंडम के साथ इस तरह फ्यूज हो जाता है, कहते एक तरह का फ्यूज हो जाता है, और ऊपर से नीचे से भी सेप्टम प्राइमम जो होता है वो सेप्टम स्कंडम के साथ इस तरह ये फ्यूज हो जाता है। जब ये फ्यूज हो जाएगा तो फोरामेन ओवेल क्या होगा, फोरामेन ओवेल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और इस तरह ये जो सेप्टा बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनाब आपका
इट्रियल सेप्टा, क्या कहते हैं एक तरह का इट्रियल सेप्टा। इट्रियल सेप्टा क्यों बना, क्योंकि लेफ्ट जैसे डिलीवरी हुई लेफ्ट साइड के ऊपर जो प्रेशर होता है वो राइट साइड की तरफ ज्यादा होता है, जैसे लेफ्ट साइड की तरफ प्रेशर जो होता है वो राइट साइड की तरफ ज्यादा होता है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि लेफ्ट साइड का जो प्रेशर होगा वो जनाब आपका सेप्टम प्राइमम जो होगा वो सेप्टम स्कंडम के ऊपर जो होगा वो जनाब लगेगा। जैसे सेप्टम प्राइमम सेप्टम स्कंडम के ऊपर लग रहा है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो फोरामेन ओवेल होता है वो क्लोज हो जाता है। क्या होता है, एक तरह का फोरामेन ओवेल जो होता है वो एक तरह का क्लोज हो जाता है, और जब ये फोरामेन ओवेल एक तरह का क्लोज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं इट्रियल सेप्टा। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आइए, शाबाश एनी वन ऑफ यू, हमने बहुत टाइम लगा दिया इसके ऊपर, क्लियर है? ओके, अब देखो जी, अब यहाँ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेप्टम प्राइमम फॉर्म द वन वे वाल्व द फोरामेन ओवेल, ये हमने पहले ही बात की थी। अब यहाँ पे देखना है आप लोगों ने कि क्या होता क्या है, यहाँ पे देखें सेप्टम प्राइमम क्लोजेस अगेंस्ट द सेप्टम स्कंडम, ठीक हो गया, सीलिंग द फोरामेन ओवेल सून आफ्टर द बर्थ, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज मोर देन द राइट एट्रियल प्रेशर, हमने भी यही बात की थी, ठीक है। ये अलग बात है, यहाँ इंग्लिश भाषा में लिखा है, हमारा उर्दू भाषा है। अच्छा जी, आगे आ जाओ, आगे आप लोगों को पता होना चाहिए सेप्टम स्कंडम सेप्टम प्राइमम फ्यूज ड्यूरिंग इन्फेंट्स ईयरली चाइल्डहुड फॉर्मिंग द एट्रियल सेप्टा। कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जैसे बर्थ होती है ना उसके फौरन बाद जो होते हैं ना जो सेप्टा होता है ना फोरामेन ओवेल जो होता है ना वो क्लोज हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने ना, अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, बल्कि आपने ये बात तो सुनी होगी ना, आप माशाल्लाह डॉक्टर हो तो कभी आपने ये बात सुनी हो कि यार उनके दिल चो सुराख निकले है, ठीक है, वो बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे के दिल में क्या था, एक तरह का सुराख था। तो अब देखो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि हाँ जी जनाब अभी एक महीने का बच्चा है, और डॉक्टर को कहते हैं यार इसके दिल में सुराख है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर कहेगा कि अभी तक इसको वेट करवाओ, अभी तक इसको इंतजार करवाओ, 3-4 साल के अंदर अंदर ये सुराख खुद ही बंद हो जाएगा, अगर ये बंद नहीं होता तो मैं ऑपरेशन करूंगा, ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ पे भी यही सीन है कि ये या तो आफ्टर दी बर्थ फॉरन क्लोज हो जाता है, अगर किसी बंदे के अंदर आफ्टर दी बर्थ ये फॉरन क्लोज नहीं होता तो क्या होता है, जब ये आफ्टर दी बर्थ फॉरन क्लोज नहीं होगा तो उसके नतीजे में ये होगा कि फिर आपको आपका चाइल्डहुड के अंदर एक तरह का क्लोज होने की कोशिश करेगा कि हो सकता है, लेकिन अगर चाइल्डहुड के अंदर भी ये क्लोज नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, फिर आपको ऑपरेट करना पड़ेगा अगर बंदा सिम्टोमेटिक, अगर सिम्टम्स है तो, अगर सिम्टम्स नहीं है तो फिर ऑपरेट की जरूरत नहीं है। देखेंगे जी, अब आते हैं एक तरह की आगे, और आगे का हम कंडीशन देखते हैं कि आगे क्या, जस्ट इमेजिन करो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर ये फोरामेन ओवेल जो है वो क्लोज नहीं होता तो उसको हम क्या कहते होते हैं। आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर फोरामेन ओवेल आपका क्लोज नहीं होता उस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल, क्या कहा जाता है आपका, एक तरह का पेटेंट। तो आपने कहना है जब आपका फोरामेन क्लोज नहीं होता तो हम कहते होते हैं एक तरह का पेटेंट फोरामेन ओवेल, यानी कि जो फोरामेन ओवेल है वो जना पेटेंट है, ठीक हो गया। अब आ गया जो बच्चों, जब आपका फोरामेन ओवेल पेटेंट होगा, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है, जब आपका ये क्यों होगा पेटेंट, इसी मेन वजह क्या पेटेंट होने की, यही वजह ना कि सेप्टम प्राइमम सेप्टम स्कंडम के साथ फ्यूज नहीं हुआ, इसी वजह से ये ना कि अगर फॉर एग्जांपल सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्कंडम आपस में फ्यूज ना हो, ठीक हो गया, आफ्टर दी बर्थ, तो क्या होगा कि फोरामेन जो अवेल होगा वो जनाब आपका एक तरह का क्लोज नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है, वो क्या आता है, ये एमसीक्यू आता है कि विच type of the emboli was seen in this patient who is suffering with the foramen ovale, ठीक होगा, patent foramen ovale, यानी कि patent foramen ovale के अंदर हम कौन सा emboli देखते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है, just imagine बच्चों, अगर for example आपको पता है कि आपका heart है, ठीक है, ये आपका heart है, और इस heart के अंदर आपको पता है कि यार ये जो scene होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि यार ये जो scene होता है वो इस तरह होता है, ये इस तरह, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि यार ये जो आपकी right side है और ये वाली जो दूसरी है वो आपकी लेफ्ट साइड है, क्लियर है। अब देखो ये जो आपकी राइट साइड है, आप लोग देखते हो कि यार ये जो राइट साइड होती है इसके अंदर ब्लड इस तरह आता है, ठीक है, राइट साइड के अंदर ब्लड आया, और ये ब्लड आपका कहाँ से आता है, आपका जो राइट हार्ट के अंदर ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, आपका सिस्टम से आता है ना, वेनस सप्लाई होती है ना, मतलब कि आपको पता है इन्फीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा, आपका जो ब्लड होता है वो आपके राइट एट्रियम के अंदर लेके आते हैं, ऐसे ही है। अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, और वो जो दो ब्लड है वो इन्फीरियर वेना के वा के जरिए या सुपीरियर वेना के वा के जरिए आपका ब्लड जो है वो जनाब आपके एक तरह का राइट एट्रिया के अंदर आ गया। जब बच्चों ये ब्लड आपका राइट एट्रिया के अंदर आएगा तो इसके अंदर एम्बोली होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर क्लॉट पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, सिंपल सी बात है पड़ा होगा। अब देखें इसका ये जो क्लॉट है वो जनाब यहाँ पे पड़ा है, अब इस क्लॉट ने क्या किया कि राइट से ये जनाब आपका जो क्लॉट है वो इधर आ गया,
ठीक है, लेफ्ट साइड पे चला गया। जैसे ये क्लॉट इधर आता है तो ये क्लॉट जो है वो जनाब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। जैसे ये क्लॉट आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है तो ये जनाब आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आ गया। क्या होता है, एक तरह का सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि यार आगे सिस्टम को, पूरे सिस्टम को सप्लाई मिलनी है ना, समझ रहे हो ना। एओर्टा किसको सप्लाई करता है? पूरी बॉडी को। तो आगे पूरी बॉडी में ये जा रहा है। अब इस तरह